प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिडिल पाठशाला पे। तो आज हम लोग देखें प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पे। तो आज हम लोग देखेंगे मासिक टेस्ट 2023-24 कक्षा 10वीं विषय गणित का जो मासिक मूल्यांकन जुलाई का होगा, उसका मैं रियल पेपर आपको बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन और यही पेपर आपके में आएंगे, जो यानी 44 मिनट का वो रहेगा और 20 पूर्णांक रहेगा। 20 में 20 आपको लाना है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। मैं पूरा सोल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 3 × 5 × 7 का 7 एक है, तो इसका सही संख्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका भाज्य संख्या हो जाएगा। दूसरा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10 के शून्य अंक हो गए, तो -2 - 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्वितीय बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या होती है, तो इसका हो जाएगा समीकरण 2x + π = k। यदि x = π = 1 है तो k का मान होगा, तो इसका हो जाएगा दूसरे का आंसर 2 हो जाएगा। तीसरे में यानी दूसरे पहले का हो जाएगा, दूसरे के पहले का हो जाएगा 2 नंबर, ये 2 होती है और 5 होगा इसका सही आंसर। सत्ता है आपका समीकरण निकाय 2x - 3y = 7 एवं 4x - 6y = 14 द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेदी होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको खुद से बताइएगा। और दूसरा है जब डी 0 तो वर्ग समीकरण मूल में स्थित होते हैं, तो सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका एक बाक या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 विभित्तीकरण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। संख्या 5 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 5 में सही जोड़ी लिख बनाइए, नहीं सही जोड़ी आपको बताना है। तो द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य गुणांक होंगे। दूसरा √7 2 संख्या x + 2y + 3 = 0 x = 4। द्विघात समीकरण x³ - 1 = 0 के मूल्यांक होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले का हो जाएगा आपका 2 2, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 संख्या है, तो इसका हो जाएगा दूसरे का आपका आपारी में ये हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा y = -3/2 और चौथे का हो जाएगा आपका ये 1 - 1। स्क्रीन शॉट फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर है संख्याओं 135 और 125 का एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, इसका एचसीएफ एचसीएफ ये रहा, स्क्रीन शॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भाई एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंक तथा शून्य अंक योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 - 1 है और पर विलोपन विधि में हल करना है आपको। तो x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3 हो जाएगा, तो इसका स्क्रीन शॉट फटाफट करते जाइएगा क्वेश्चन का। और ये रहा आपका आंसर 7वें का, आपका ये आंसर रहा 7वां किधर गया, 7वें का आंसर आपको खुद से बताना है। 7 क्वेश्चन में 7 तक 8 तक क्वेश्चन में बता दिया हूँ और क्वेश्चन आपको खुद से देख लीजिएगा। अगर आप यानी अगर आपसे नहीं बनता कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं इसका नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का PDF डाउनलोड करने का, और व्हाट्सएप पर उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाया करेगा टाइम से टाइम पे, तो इसलिए आप ज्वाइन होना ज़रूरी है आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।